हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन स्मार्टफोन्स के बारे में जिनको नए FOTA अपडेट्स मिले इंडिया के अंदर। एंड उससे पहले यार बता दूं आप सभी को कि काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाला है बहुत जल्दी हमारे चैनल पर, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके रखें। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने शूट कर ली है, रिकॉर्डेड है, बस उनको एडिट करके चैनल पर पोस्ट करना है। तो यार बहुत जल्दी आने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट, तो मेक श्योर नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन कर दें। एंड यहाँ पर बात की जाए सैमसंग के फर्स्ट अपडेट के बारे में, तो यहाँ पर आप वीडियो देख करके अगर नहीं समझे तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर सैमसंग का गैलेक्सी S10 लाइट को एक नया FOTA अपडेट मिला है इंडिया के अंदर। यहाँ पर जो अपडेट की फाइल थी अराउंड 200 MB के आसपास की थी, जुलाई 2020 का सिक्योरिटी पैनल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर सैमसंग ने इसके कंप्लीट यूज़र इंटरफेस को थोड़ा सा स्टेबल कराया, दैट मींस यहाँ पर जो फ्रेम ड्रॉप्स हमें देखने को मिलते हैं ना कभी कभी UI के अंदर, तो वो चीज़ यहाँ पर फिक्स कर दी गई है सैमसंग के यहाँ पर इस डिवाइस के अंदर। एंड नोट टेन जो लाइट है उसके कंपेरिजन में यार ये बहुत ज़्यादा अच्छे स्मार्टफोन है। एंड ये जो इन्फॉर्मेशन है ना हमारे इंस्टाग्राम पर मुख्तार है उन्होंने शेयर करी है, सो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर जो अगला अपडेट है वो है सैमसंग के गैलेक्सी J4 Plus के लिए। सैमसंग के J4 Plus को एक नया FOTA अपडेट मिला है। अपडेट की जो फाइल थी अराउंड 95 MB के आसपास की थी। एंड इस अपडेट को करने के बाद में मिलता है जुलाई 2020 का लेटेस्ट, अभी तक तो लेटेस्ट ही चल रहा है, लेटेस्ट आज के लिए लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल। एंड इस अपडेट के अंदर सैमसंग ने इस डिवाइस के अंदर जो इसका 3.5 mm हेडफोन जैक का जो आउटपुट है उसको यहाँ पर थोड़ा सा एनहेंस किया है। तो आप अगर एयरफोन्स वगैरह यूज़ करते तो फिर वहाँ पर आपको थोड़ा सा बेटर साउंड क्वालिटी मिलेगी। एंड अगर आप यूज़ करते हो सैमसंग का गैलेक्सी J6 Plus तो ज़रूर से चेकआउट करना इस चीज़ को। एंड मेरे साथ में मेरे सोशल मीडिया पर ज़रूर से बताना या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। एंड यहाँ पर अगला जो अपडेट है वो है सैमसंग के गैलेक्सी A7 2018 मॉडल के लिए। मैंने पिछले FOTA वाली वीडियो में आपको बताया था कि सैमसंग के A8 प्लस को अपडेट मिला है, बट वो A7 2018 था। सैमसंग के A7 2018 के अंदर यहाँ पर हमें 400 MB की अपडेट फाइल देखने को मिलती है, जहाँ पर कि हमें जुलाई 2020 का सिक्योरिटी पेज लेवल देखने को मिला है। एंड इस डिवाइस के अंदर मुझे पता नहीं चल पाया कि क्या इंप्रूव किया गया है, बट जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं डेफिनेटली अपने सोशल मीडिया पर बता दूंगा। मेक श्योर आपने मुझे वहाँ पर फॉलो किया हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर बात की जाए अगले स्मार्टफोन के बारे में, तो वो सैमसंग की नोट सीरीज में से आता है सैमसंग का गैलेक्सी नोट 8 को भी यहाँ पर एक नया FOTA अपडेट मिला है। यहाँ पर अपडेट की फाइल जो थी वो अराउंड 580 MB के आसपास की थी, जुलाई 2020 का सिक्योरिटी पे लेवल यहाँ पर डाला गया है। साथ ही इस अपडेट के अंदर इस डिवाइस के जो कलर्स हैं उसको थोड़ा सा इंप्रूव किया गया है, टच सेंसिटिविटी को एनहेंस किया गया है। दैट मीन्स अगर आप किसी एप्लीकेशन वगैरह को ओपन करते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा जो टच रिस्पॉन्स है वो आपको थोड़ा बेटर देखने को मिलेगा। एंड साथ ही साथ आपके जो टच के स्क्रीन के जो कलर हैं वो थोड़े से आपको बेटर देखने को मिलेंगे। अब ये कितना रियल लाइफ में चेंज हुआ है आप मुझे बता सकते हैं अगर आप यूज़ करते हैं सैमसंग का नोट 8, एंड और यूज़र्स को भी पता चल जाएगा, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड यही था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो चलती है लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग आउट।